रामपुर और बरेली के बॉर्डर पर आदमखोर तेंदुए ने नाबालिग बच्ची को शिकार कर जिंदा खाया। गांव के पास बीती शाम बच्ची दुकान से पेंसिल लेने जा रही थी, तभी आदमखोर तेंदुए ने उस पर हमला कर उसे अपने मुंह में दबा लिया और जंगल ले गया और उसे गन्ने के खेत में जिंदा खा लिया। इस घटना से आसपास के दर्जनों गांव में दहशत बनी हुई है। गांव के लोगों ने वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि यह घटना रामपुर बरेली बॉर्डर क्षेत्र के ग्राम भुजिया थाना शीशगढ़ की है, जिसमें ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में मृत बच्ची की गर्दन और अन्य अंग देखे, जिससे पूरे गांव में सनसनी मची हुई है और ग्रामीणों में गुस्सा भी पनप रहा है। ग्रामीण और वन विभाग के लोग आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए रात दिन कॉम्बे कर रहे हैं। वहीं दो दिन पहले इसी तेंदुए ने रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव एक जानवर को अपना शिकार बनाया था। किसान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी वारदात की घटना कैद हुई थी। फिलहाल रामपुर और बरेली बॉर्डर पर इस तेंदुए ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर दहशत पैदा कर दी है और बरेली रामपुर का वन विभाग अभी इस तेंदुए को नहीं पकड़ सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूटीवी भारत। ये मामला है बरेली क्षेत्र में और इधर डंडिया के जंगल में जो तेंदुआ आया हुआ है, इससे एक बच्ची को इसने घायल करके और जान से मार दिया है। ये भुजीपुरा पनवड़िया की तरफ थाना शीशगढ़ की तरफ की वारदात है और बच्ची को घायल कर जख्मी करके और कई जगह मतलब उसको खा के मार दिया। बच्ची दुकान पे गई हुई थी और वहाँ पर ही जब लौटी तो वहाँ से छेरा आके उसको जंगल में ले गया, वहाँ मार के खा गया। बच्ची को दुकान में पैन लेने गई थी, वहाँ पर शेर ने उसको मतलब गर्दन पे दपोचा और उसको उठा के धान के खेत में ले गया, वहाँ से फिर गन्ने के खेत में लेके जाके उसको जख्मी करके खा लिया। ये डंडिया के जंगल पैगंबरपुर में भी उसने कईयों को घायल कर दिया है। रामपुर और बरेली के बॉर्डर पे आसपास में वो तेंदुआ आतंक फैला रहा है, उसको जल्द पकड़ना चाहिए और वन विभाग वाले लापरवाह कर रहे हैं। अगर तेंदुए को ना पकड़ा गया तो आज तो बच्ची खत्म हुई है और भी कईयों के ऊपर हमला कर सकता है, कईयों को मार सकता है। तो 2:30 बजे के करीब ये डंडिया वाले वन से निकल के हमारे घर में आया, यहाँ तो इसने बच्चिया को पकड़ लिया। तो बच्चिया ने जब उसका गर्दन पकड़ी तो उसकी आवाज़ें निकली, तो फिर घर वालों ने उठ के और फिर अड़ोस पड़ोस के सब लोगों ने इसको शोर शराबा करके भगाया है। तो इसका अब पहले कुत्ते खा गया ये और अब ये जानवरों पे हमले करने लगा, तो हमें खुद डर लग रहा है, हम खुद खेत में नहीं जा पा रहे हैं भी, कहीं खेत में बैठा हो निकल के आ जाए किसान को खा जाए। तो मेरी जो प्रशासन से जो डिमांड है वो ये है कि जो वन के अधिकारी हैं वो इसमें सहयोग करें और इसको पकड़ें।